फिरोजाबाद जिले के हाथवंत के ब्लॉक प्रमुख सुरेश यादव के खिलाफ जसराना थाने में आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि किसी से मोबाइल पर बातचीत के दौरान सुरेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसका ऑडियो वायरल हो गया। जसराना थाना क्षेत्र के फतेहपुर कटैना निवासी राजेश अली ने थाने में इस संबंध में तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि 9 अगस्त को उनके मोबाइल पर एक ऑडियो क्लिप आई, जिसमें ब्लॉक प्रमुख सुरेश यादव किसी से बात कर रहे हैं। बातचीत में उनके द्वारा मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी की गई। थाना प्रभारी जसराना आजादपाल सिंह का कहना है कि राजेश अली की तहरीर पर आईटी एक्ट व अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है, विवेचना शुरू कर दी गई है। फैजाबाद से देखिए हमारे संवाददाता राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। हेलो, बताओ भैया चौहान साहब। जय श्री राम जी। जय श्री राम, बताओ। और सब बढ़िया? सब कृपा है। एक दो लाइट की व्यवस्था करवा देते? लाइट तो यार पेमेंट ही नहीं है पाए, लगनी बंद हो गई अभी, अब लगेगी तब करवा देंगे यार। ऐसा वो जी मतलब आए गए अब यहाँ सुधीर यादव, पहले वो तो सैली को। अरे हम कह रहे सुधीर आएगा कोई आएगा वो बात ही नहीं, जब होगी लगेगी तो मैं निश्चित लगवा दूंगा, बंद नहीं आई लाइट, लगी आ रही है, पता कर लो तुम। नहीं नहीं मालूम है, मालूम है कि पेमेंट आपको रोको पड़ोगा जी, तो मतलब आप पे भर। हाँ वो इंद्रजीत रोज शिकायत करते हो, पेमेंट रुक जाता है क्या करे। अच्छा पेमेंट रुक गो तो आपको चलो कोई दिक्कत ना, जब लगा तो दे दियो। हाँ तो क्या करे, शिकायत रोज करते हो, अविस्था प्रस्ताव लाए जहाँ तो अविस्था प्रस्ताव तो ला तो ना, शिकायत करते हो काम हो रहे एंड अप करते हो, अविस्था प्रस्ताव ले आए छुट्टी करे बेट, बीमारी कटे हमारी। अच्छा सही बात है, काहे के लिए खाऊंगा परेशान कर रहे हैं, बता मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं आपकी बिल्कुल बात सही है, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। अवस्था ले आओ तो मालूम पड़ जाए हैसियत तुम्हारी औकात, तुम्हारी अनिल की समझने की हैसियत मालूम पड़ जाए औकात, तो कह ना सहन करा लोगे तुम। सही बात है। अनिल कौन? अनिल हाथवंत को। अच्छा समझो अनिल जैन, अनिल यादव। अच्छा अनिल यादव बीडीसी है, वो ठेकेदारी चाहता है, ये सब ठेकेदारी चाहते हैं ब्लॉक में। अच्छा हमें कहते ले आओ तो ठीक हुए, तो बिना मतलब मैं सुधी आप काम करता तो मैं भाई हैसियत औकात मालूम पड़ जाए, पांच सात ही न रह जाए तुम्हारे संग। सही बात है। नहीं तो बात चीज है बैठ के तो ऐसा करते कोई चीज है तो मैं बैठ के कर मैं कहा बैठे तो जो है को सोच रही बैठे क्या कर रही करेंगे काम आओ है क्या चीज है। सही बात है। हम कह रहे तू जिन्हों का तो हम ठाकुर जय सिंह पे कब बात आए थे, हम कल रिजाइन कर देंगे, हम ठाकुर योगी जी हमारे तू ठाकुर मनोहर ठाकुर को कह रहे हो भाई इंद्रजीत कहते है। अरे तो जी नहीं कहनी चाहिए, आप हुए इतनी गर्मी नहीं दिखानी चाहिए प्रमुख जी, आपकी उम्र है गई है, वो इतनी जी नहीं कहनी चाहिए तो यार ये इतनी गर्मी नहीं दिखानी तो कोई छुरा पहना होगा का बबूल काटेगा का, वो मतलब आगे से बाहर काटेगा बबूल काटेगा जी, जो अपनी हैसियत भी तो रहेगा वो। सही बात है, बबूल काटे बाली तो काटे बबूल थोड़े तो अपनी हैसियत, अकेला एक सिंगल वोट है 32 वोट यादव ने के, तू कैसे अवस्था प्रस्ताव ले आएगा, और बीजेपी का सही है, बीजेपी हमारी ना थी, शिवपाल सिंह बीजेपी में आ गए उसके बाद सभी कितनों यादव जाएगा बीजेपी में यहाँ का। अरे तो शिवपाल सिंह की घोषणा यही तो कम से कम मान लो 60-70% यादव वहां में चलो जाओ। हाँ फिर और बीजेपी नहीं नहीं जी बता बीजेपी पार्टी किसी की है, पार्टी योगी की तो पार्टी मतलब अब हाल सपा आ जाए तो सपा तुम्हारे घर की पार्टी है, फिर योगी जी की पार्टी है, पार्टी तो सबकी, योगी जी कहते आ गए थे तू गुंडागर्दी करो। नहीं नहीं सबके सहयोग से योगी जी, नहीं योगी जी कहते गुंडागर्दी करो, योगी जी ने कबू ना की गुंडागर्दी करो या तो मुझे वो करो लूट कर दो जो है वो चलन दे ना का दिक्कत ना, ना, ना तो भाई इंस्पेक्टर को रहने खैरगढ़ में रोज बैठे रहते हैं, खैरगढ़ में बैठे रहते हैं इंस्पेक्टर के रिया कहूँ। सही बात है। तो आए भानु भानु तो बुलवाए जिनने बुलवाए पता है हमें कहा लेना देना यार, कितने बुलवाए अनुज गुप्ता है लड़का वहां बुलवाए खैरगढ़ में। हाँ खैरगढ़ में और का वहां 27 तारीख को भतोड़ी पंचायत का तो पंचायत पंचायत यहाँ कोई पंचायत ना जाए तो बीडीसी यार देखो एक बात सुनो पहले तो ये दिमाग से निकाल दे, रोज ये करता रहता है खुरापात, यहाँ
ये ब्लॉक यादव का ब्लॉक है, यहाँ कुछ भी नहीं होना है। हम ना हो कोई होता ताव खिलाफ ना कजू हो तो सही बात है समझे। और सुनो लोधी एक संघ है ना ठाकुर न के, सही बात है लोधी संघ होते तो मानवेंद्र सिंह आज जा दो फिर पप्पू लोधी बताएगा हमारे संघ है, जयवीर सिंह मंत्री जी हमारे संघ, हमारे संघ कौन आ तो अच्छा। जिला अध्यक्ष बीजेपी हमारे संघ है, हाँ जिला अध्यक्ष तो भी तो है सीता सिंह भाभी जी नहीं बेनाए बेनाए बीजेपी जिला अध्यक्ष अच्छा अच्छा हाँ मानवेंद्र मानवेंद्र ना तो बंदन लाल गुप्ता है, बंदन लाल गुप्ता है अबे फिलहाल में तो जी देख रहे हैं नहीं बंदन लाल गुप्ता ही देख रहे हैं अच्छा। एमएलसी हमारे संघ है आगरा वाव अच्छा बिना मतलब में यार काम काम अब तुम कह रहे हो काम हो तो ना तो जो तुम्हारे कम से कम आज तुम्हें कहनी पत्ती लाइट लगने आती है अभी तक कहनी पत्ती लग गई होती है अभी तक तो आप तो फिर अब एंट्रेंस हो रहा है परेशानी हो रही है नहीं हो रही और का तो वही तो मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत है तो मतलब बातचीत को बैठे तो समाधान निकालो यार काहे की दिक्कत है यार जो था हम प्रमुख बने हम 18 वोट से प्रमुख जीते प्रमुख हम बने तो काहे की दिक्कत है क्या दिक्कत है हारेगा जो समाजवादी सरकार आ रही तो अब योगी सरकार ना चलाएंगे सरकार अब जी कहेंगे हम सर हम आई है हमारी तो कैसे काम समझाओ ममता बनर्जी सरकार नहीं चला रही दिल्ली में योगी सरकार है कांग्रेस सरकार ना चला रही आप पार्टी सरकार ना चला रही फिर बिना मतलब में जो आप काम करते ठाकुर साहब मन मन कट्टो है या तो यार लोगों ने भाई बिना मतलब नहीं सही बात है काम बैठे घर बैठे घंटी कोई आओ गेट पर घंटी बजा रहा हुआ नहीं सही कह रहे हो गलत चीज है तो जब कोई आदमी चुनाव जनता ने तो अब ऐसे ही लोग है यार कहां तुम कहां से चलो आ जाए तो दे देंगे भैया रामभरण रान जी को फोन आओगा आओ मैं नहीं कही बिंद आओ तो मैंने बिंदु देख जो सब तुम्हें सुखा है सब बिंदु सुखा है अच्छा सही चलो ठीक है भैया थाना जसराना में सर एक मुकदमा लिखा गया है क्या मामला है थाना जसराना में राजेश अली नामक एक व्यक्ति ने सुरेश कुमार जो ब्लॉक प्रमुख हाथवंत है उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन पुलिस कार्यालय में दिया था जिसमें एक आरडीओ का जिक्र है उसके आधार पर थाना जसराना में आज सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है जाँचोपरांत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।